रघुवीर साहब, आप थिएटर से रहे, आपने शुरुआत थिएटर से किया था और थिएटर आपका पहला प्रेम आज भी है जी। आप थिएटर के प्रति आपका जो समर्पण है वो आज भी देखने को मिलता है। पियानो अभी आप तैयार कर रहे हैं जी, दिल्ली में अभी आप प्ले करेंगे उसका, तो वो उसके प्रति जो आपका समर्पण है ना, मैं देखता हूँ कई बार, मतलब वो सैल्यूट करने लायक है। आप थिएटर के बारे में जो हम बात करने वाले थे, कोई एक जो रंगमंचीय संगीत होता है जी, वो संगीत उसका अंदाज जरा हट के होता है। इसी बीच हमारे बीच एक फरमाइश भी आई कि लैला मजनू नौटंकी की अच्छा चीज़ें थोड़ी सी मतलब सुना दें अगर, और रंगमंचीय संगीत जो थोड़ा लाउड भी होता है, थोड़े उसके सुर बंजारे टाइप के भटक भी जाते हैं जी, तो वो उसकी थोड़ी सी झलक अगर आप पेश कर दें तो आनंद आ जाए। ज़रूर ज़रूर। दरअसल रंगमंच का जो संगीत होता है वो यहाँ से निकलता है, आत्मा से निकलता, तभी जाके सामने वाले की दिल में घुसता है। क्या बात, उसके हृदय में घुसता है। और रंगमंच का संगीत हमेशा दिल से गाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन फर्क फर्क आ जाता है। तो ये मैंने रंगमंच से सीखा, रंगमंच के संगीत से सीखा। तो मैं रंगमंच का कोई सुनाए देता हूँ और वो कैसे फर्क फर्क होता है जी, कैसे अलग अलग तरीके से गाया जाता है वो मैं बता देता हूँ। तो लैला मजनू आप कह रहे थे वो सुनाए देता हूँ, सुनिएगा। मैं अक्सर घर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, मैं अक्सर घर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब ये है कि फिरता है जमाल यार आंखों में। तो लैला क्या कहने, लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, और दोनों की शक्ल एक है किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना, संभल कर बैठना, संभल कर बैठना ए हुस्ने लैला देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। क्या बात है, क्या बात। बिठा कर सामने, बिठा कर सामने लैला को देखे हजरते यूसुफ, और करे खुद फैसला हुस्ने जुलेखा देखने वालों। और हुआ अब चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो जमाने में तुझे सब साकी है मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी में खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नज़र देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो मगर देखो, और मुझी को बज़्म में देखो, तमन्ना ये नहीं मेरी फिर अपने दिल के मालिक हो जिधर चाहो उधर देखो। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। निगाहों से जो बचती हो तो दिल से भी निकल जाओ, और मेरे दिल में जो रहती हो तो पर्दा हो नहीं सकता। मिटा दूंगा मैं हस्ती को तेरी फुरकत में ऐ लैला, तुझे अगर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं, तुझे अगर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। ये सही कहा आपने कि जो रंगमंच का संगीत है दिल से आता है और दिल तक पहुंचता है। ये इतना, ये देखिए हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, वरना मैं एक गज़ल के एक दो शेर आपको सुनवाता, ये मुझे संकेत मिल चुके हैं। अच्छा जी, अभी कल का दिन बाकी है, पढ़ना जी, एक शेर सुनवा दूं। अभी तो शुरुआत है, आगाज है। एक शेर सुनवा दूं। हाँ, तो मुझे लगता है, देखिए मेरे कहने पर एक शेर सुनिए ये रघुवीर साहब से, कि अगर गज़ल को
रंगमंच पे अदा किया जाए, नाटक में गाया जाए तो क्या रूप ले लेता है? मेरी फरमाइश पर बस दो शेर मैं रघुवीर यादव साहब से गुजारिश करता हूँ जी। दो शेर मुझे, तू ख्याल है किसी और का, ओके सर, मुझे चाहता कोई और है। मैं ख्याल हूँ, सुनिएगा, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सर आईना मेरा अक्स है, हाय हाय, पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह ना मिल सके, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह ना मिल सके, तो फिर इस के माने ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, बहुत सोचता कोई और। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रस बरसना शुरू हुआ था लेकिन वक्त की अपनी पाबंदी है। मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ फैसल भाई को, हमारे एक बुलावे पर तशरीफ लाए यहाँ बनारस, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया रघुवीर यादव साहब का कि जो अपने व्यस्त शेड्यूल में से निकल के यहाँ तक आए हैं हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियों से विदा करिए हमारे दोनों आज के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।